हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस टॉपिक के बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को इस एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे सेकेंड में आपका मॉक टेस्ट होगा साथ ही साथ जितने क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो अगर आप माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेस में अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना है विदाउट डिले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ आ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है एक नेटवर्क डेटाबेस मॉडल है आर डी बी एम एस ए आर डी बी एम एस ए या फिर डबल ओ डी बी एम एस ए तो आंसर होगा बी आर डी बी एम एस होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्वेश्चन नंबर टू अगर आपसे पूछे एग्जाम में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आर डी बी एम एस तो राइट आंसर क्या होगा ए बी सी या फिर डी डी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर्म होती है आर डी बी एम एस की व्हाट इज़ अ डेटाबेस? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए ए इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज़ डेटाबेस क्या है एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे रोज में अरेंज किया गया है बी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन कॉलम्स कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे कॉलम में अरेंज किया गया है सी कहता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स डी ऑल ऑफ द एबव तो राइट right आंसर क्या होगा सी इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंजड इन रोज एंड कॉलम्स तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि डेटाबेस क्या होता है आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं ये एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे रोज और कॉलम में अरेंज किया जाता है यहां पे आप देख सकते हैं रोज और कॉलम में डेटा अरेंज किया गया है इसी के कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं वट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस एक्सेस एम एस एक्सेस की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है तो यहाँ पे दिया गया है ए बी सी और डी राइट आंसर क्या होगा डी डॉट ए सी सी डी बी वेन न्यू डेटाबेस इज क्रिएटेड इन एम एस एक्सेस वट विल बी द डिफॉल्ट नेम ऑफ द टेबल जब एम एस एक्सेस में एक न्यू डेटाबेस क्रिएट किया जाता है तो टेबल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होगा ये आपको बताना है तो सोच के बताइए राइट आंसर क्या होगा डी टेबल वन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो टेबल का डिफ़ॉल्ट नेम टेबल वन होता है फिर आप इसे अपने अकॉर्डिंग रिनेम कर सकते हैं देश इज़ नोट अ वैलिड डेटा टाइप इन एम एस एक्सेस ऑटो नंबर करेंसी मेमो पिक्चर इनमें से कौन सा एक वैलिड डेटा टाइप एम एस एक्सेस में नहीं है तो आंसर क्या होगा डी पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा टाइप जो है उसका लिस्ट दिया गया है कहीं पर भी आपको पिक्चर नहीं दिखाया जा रहा है इन एक्सेस टेबल कॉलम इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस टेबल में कॉलम को और किस नाम से जाना जाता है तो आंसर होगा डी फील्ड अगर एग्जाम में पूछता है कि एक्सेस टेबल में रो को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर क्या होगा सी रिकॉर्ड तो कॉलम को फील्ड के नाम से जानते हैं और रो को रिकॉर्ड के नेम से वाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट फील्ड कैन बी एक टेक्स्ट फील्ड का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है सेवेंटी फाइव वन ट्वेंटी टू फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव तो राइट आंसर होगा सी टू फिफ्टी फाइव एक टेक्स्ट फील्ड का मैक्सिमम लेंथ हो सकता है यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा टाइप हमारा क्या है टेक्स्ट इसका मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है 255। फिफ्टी फाइव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटिटी इन अ डेटा बेस इज कॉल्ड एक डेटा बेस में किसी इंटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है डेटा इंफॉर्मेशन फील्ड रिकॉर्ड आंसर होगा डी रिकॉर्ड द डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर आ फील्ड इज एक फील्ड के लिए डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होती है तो राइट right आंसर होगा डी टेक्स्ट डिफॉल्ट पूछा है इसीलिए टेक्स्ट होगा इन एम एस एक्सेस ऑटो नंबर डेटा टाइप एम एस एक्सेस में ओटो नंबर डेटा टाइप कैन बी सिक्वेंशियल कैन बी रैंडम ओनली ए एंड बी कैन बी एडिटेड तो आंसर क्या होगा सी ओनली एंड बी यानी कि ओटो नंबर डेटा टाइप सिक्वेंसियल हो सकता है रैंडम हो सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओटो नंबर डेटा टाइप तो हमने पढ़ा कि यह सिक्वेंशियल हो सकता है रैंडम हो सकता है ये क्या नहीं हो सकता है तो ये डुप्लीकेट्स नहीं हो सकता है और इसे एडिट नहीं किया जा सकता एडिटेड नहीं होता है इसी क्वेश्चन को एग्जाम में और किस तरीके से आपसे पूछ सकता है तो यहाँ पे देखिए डैश इनेबल्स द यूजर टू ऑटोमेटिकली इंसर्ट नंबर्स इन अ सिक्वेंशियल और रैंडम नंबर क्या पूछ रहा है इनमें से कौन यूज़र को इनेबल करता है ऑटोमेटिकली नंबर इंसर्ट करने के लिए सिक्वेंशियल और रैंडम नंबर में तो राइट आंसर क्या होगा ए ऑटो नंबर द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर टाइम इन एम एस एक्सेस एम एस एक्सेस में टाइम स्टोर करने का एप्रोप्रिएट डेटा टाइप क्या है तो करेक्ट आंसर होगा डी डेट एंड टाइम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप दिया गया है जिसकी मदद से आप टाइम स्टोर कर सकते हैं द साइज़ ऑफ यस नो फील्ड इज ऑलवेज यस नो फील्ड की साइज़ हमेशा क्या होती है तो राइट आंसर होगा ए वन बीट यस नो फील्ड यहाँ पर दिया गया है इसी का साइज वन बीट होता है पिच प्रोग्राम डू यू यूज टू एडिट कोड फॉर डेटा एक्सेस पेजेस डेटा एक्सेस पेजेस के लिए कोड एडिट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज किया जाता है तो यहाँ पर दिया गया है ए बी सी और डी राइट आंसर क्या होगा ए माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्ट एडिटर का इस्तेमाल होता है डेटा एक्सेस पेजेस के कोड को एडिट करने के लिए वाट इज द शॉर्टकट की टू स्विच बिटवीन द फील्ड नेम्स एंड प्रॉपर्टीज पैनल्स इन टेबल डिज़ाइन व्यू टेबल डिज़ाइन व्यू में फील्ड नेम और प्रॉपर्टीज पैनल को प्रॉपर्टीज पैनल में स्विच करने का शॉर्टकट की क्या है तो राइट right आंसर है डी एफ सिक्स पिच फील्ड टाइप कैन स्टोर फोटोज़ कौन सा फील्ड टाइम टाइप फोटोज़ को स्टोर कर सकता है तो यहाँ पे दिया गया है हाइपरलिंक, ओ एल ई मेमो टेक्स्ट आंसर क्या होगा बी ओ एल ई तो जब भी आपको फ़ोटोज़ स्टोर करना होता है तो हम फील्ड में डेटा टाइप ओ एल ई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं टू ओपन अ न्यू डेटा बेस प्रेस आपको न्यू डेटाबेस ओपन करना है तो क्या प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एन तो जैसे ही आप डेटा बेस में कंट्रोल एन प्रेस करते हैं ब्लैंक डेटाबेस लेके न्यू डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है इन एक्सेस प्रेस कंट्रोल प्लस ओ टू एक्सेस में कंट्रोल प्लस ओ किस लिए प्रेस किया जाता है तो राइट right आंसर होगा बी ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन करने के लिए कैसे करते हैं तो कंट्रोल ओ जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पे डेटाबेस की जितनी भी फाइल आप सेव करके रखते हैं आपको डिस्प्ले होती है जिसे भी एक्सेस करना चाहते हैं क्लिक करके कर सकते हैं डैश बटन हेल्प्स टू सर्च क्विकली फॉर एवरी अक्रेंस ऑफ आ स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज किसी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज को क्विकली सर्च करने के लिए कौन सी बटन हेल्प करती है तो राइट आंसर बी होगा फाइंड बटन जब आप डेटाबेस टेबल में किसी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज़ को सर्च करना चाहते हैं तो होम टैब के यहाँ से फाइंड का आपको बटन मिलता है इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल एफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो जिस भी वर्ड या फ्रेज़ को सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं इन एम एस एक्सेस ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स डेटा टाइप कैन स्टोर एम एस एक्सेस में ओ एल ई ऑब्जेक्ट्स जो एक डेटा टाइप है क्या स्टोर कर सकता है तो दिया गया है ए माइक्रोसॉफ्ट एक्शन स्प्रेड शीट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स साउंड्स ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर क्या होगा डी इन सभी को स्टोर कर सकता है टू टॉगल द नेविगेशन पेन प्रेस नेविगेशन पेन को टॉगल करने के लिए क्या प्रेस किया जाता है आंसर होगा डी एफ इलेवन जैसे ही आप F11 की को डेटाबेस में प्रेस करते हैं आपका नेविगेशन पेन टोगल होता है डैश इनेबल्स यू टू व्यू डेटा फ्रॉम आ टेबल बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक क्राइटेरियन इनमें से कौन आपको इनेबल करता है डेटा व्यू करने के लिए एक टेबल से जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरियन पे बेस्ड है तो आंसर होगा बी क्यूरी, क्यूरी फायर किया जाता है डेटा व्यू करने के लिए टेबल से पिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एम एस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट इनमें से कौन सा एम एस एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है टेबल फॉर्म वर्कशीट्स मॉड्यूल्स आंसर होगा सी वर्कशीट्स ये एम एस एक्स ऑब्जेक्ट का टाइप नहीं है ये स्प्रेड का टाइप है बाकी जो आप तीन देख रहे हैं ये सभी हैं अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिलेटेड फाइल्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं आंसर है डी डेटाबेस बेस द की एफ ट्वेल्व ओपनस आ एफ ट्वेल्व की क्या ओपन करती है तो करेक्ट आंसर होगा ए सेव एज डायलॉग बॉक्स तो हम अपने डेटा बेस टेबल पर आते हैं प्रेस करते हैं एफ़ टेल्व की तो आप देख सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ से आप अपने टेबल को न्यू नेम दे सकते हैं प्रेस डैश टू क्विट एम एस एक्सेस आपको एम एस एक्सेस से बाहर आना है यानी कि एस सेक्सेस की फ़ाइल बंद करना है तो क्या प्रेस करेंगे अल्ट प्लस एफ फोर इसकी मदद से आप एक्सेस की फ़ाइल को बंद कर सकते हैं ये सट डाउन शॉर्टकट की है लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं तो पहले वो एप्लीकेशन बंद होता है देन आपका सिस्टम सट डाउन होता है तो यहाँ पे जैसे ही आप अल्ट प्लस एफ़ फोर की प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो आपको बता रहा है कि आपके टेबल का नाम इम्प्लॉई है तो जो भी आपने चेंजेस किया है क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप चाहे यस कीजिए या नो कीजिए आपका ये फाइल बंद हो जाएगा पिचिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डी बी एम एस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इज़ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डी है जो माइक्रोसॉफ्ट से है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है तो आंसर होगा बी एम एस एक्सेस ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डी बी एम एस है माइक्रोसॉफ्ट से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द टेबल इज वन साइड इज कॉल्ड डैश एंड ऑन मेनी साइड इज कॉल्ड डैश क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वन टू मेनी रिलेशनशिप में यानी कि एक से अनेक संबंध में वन साइड की टेबल को क्या कहा जाता है और मेनी साइड की टेबल को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा ए पेरेंट चाइल्ड यानी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप में वन साइड के टेबल को पेरेंट कहते हैं मैनी साइड के टेबल को चाइल्ड कहा जाता है विच फील्ड टाइप विल यू सिलेक्ट इफ़ यू नीड टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड आप कौन सा फील्ड टाइप चुनेंगे यदि आपको उस फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करने की ज़रूरत हो तो आंसर तो होगा बी मेमो का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको किसी फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट एंटर करना होता है तो तो डेटा टाइप में आप मेमो सेलेक्ट करेंगे इसकी मदद से आप लॉन्ग टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं विच फीचर इज़ यूज टू डुप्लीकेट आर कंट्रोल्स फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स फॉर्मेटिंग को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी फीचर का इस्तेमाल होता है तो आंसर है सी पेंटर इज एन एरिया रिजर्वड फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा एक स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा के लिए इनमें से कौन रिजर्वड एरिया है तो आंसर होगा डी फील्ड डेटाबेस एक्सेस लेबल्स आर स्पेसिफाइड सो एज़ टू डिफ़ाइन हु कैन एक्सेस वाट इज इन आ डेटाबेस इट इज़ आइडेंटिफाइड थ्रू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डेटाबेस एक्सेस लेबल स्पेसिफाइड किए जाते हैं ताकि ये डिफाइन किया जा सके कि डेटाबेस में कौन क्या एक्सेस कर सकता है इसकी आइडेंटिफिकेशन किसके माध्यम से की जाती है आपको ये बताना है तो आंसर क्या होगा ए यूज़र आई के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक डेटाबेस में कौन क्या एक्सेस कर सकता है वट इज़ आ फॉर्म दैट वी कैन क्रिएट इन एमएसएक्सेस एक्सेस में फॉर्म क्या है जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं दिया गया है ए बी सी और डी सभी को अच्छे से रीड करना है हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं बी इट इज एन इनपुट स्क्रीन फॉर व्यूइंग एंड एंटरिंग डेटा फॉर्म क्या है डेटा व्यू और एंटर करने के लिए एक इनपुट स्क्रीन है द फॉलोइंग इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायर निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायर के आरोही क्रम में है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है तो यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं सभी को आपको रीड करना है समझना है देन राइट आंसर बताना है तो डी होगा सबसे पहले आएगा बीट देन बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल देन डेटाबेस पिच टूल डू यू यूज टू क्रिएट अ क्वेरी ऑब्जेक्ट ए क्वेरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर होगा बी सिंपल क्वेरी विजार्ट द अपर पार्ट ऑफ द क्वेरी डिजाइन विंडो इन एमएसएक्स हैज टू पार्ट्स एमएसएक्स में क्वेरी डिज़ाइन विंडो के अपर पार्ट्स में दो पार्ट्स हैं जो क्या शो करते हैं यानी कि क्या दर्शाते हैं आपको ये बताना है तो आंसर होगा बी फील्ड्स नेम विथ रिलेशनशिप्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है तो सभी स्टेटमेंट आपको पढ़ना है समझना है फिर राइट right आंसर सोच के बताना है तो आंसर होगा सी क्वेरीज कैन इंक्लूड कैलकुलेटेड फील्ड्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन टेबल Queries क्या कर सकता है कैलकुलेटेड फील्ड को इंक्लूड कर सकता है जो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है इन एक्सेस टू मूव डाउन वन लाइन एक्सेस में आपको एक लाइन डाउन मूव करना है तो क्या प्रेस करेंगे डाउन एरो की टू मूव डाउन वन पेज अब आपको एक पेज डाउन मूव करना है तो इसके लिए कौन सी की प्रेस करेंगे पेज डाउन वट कैशकेड डिलीट ऑप्शन इज यूज फॉर कैशकेड डिलीट ऑप्शन का यूज़ किसके लिए किया जाता है डायरेक्ट राइट आंसर पे आते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो लेकिन वीडियो पॉज करके आपको सभी ऑप्शन को रीड करना है सी इज़ करेक्ट इट इंश्योर्स दैट ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड ऑटोमेटिकली वेन द रिक्ड फ्रॉम पेरेंट टेबल इज डिलीटेड कैश कैड डिलीट ऑप्शन ये इंश्योर करता है कि पेरेंट टेबल से रिकॉर्ड हटाए जाने पर सभी रिलेटेड रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रूप से हटा दिए जाएंगे द चेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन इनपुट डेटा इज कॉल्ड द इनपुट डेटा पर किए गए चेकिंग ऑपरेशन को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा बी वैलिडेशन ऑफ डेटा आ सबसेट ऑफ करेक्टर्स विद इन आ डेटा फील्ड इज नोन एज करेक्टर्स के एक सबसेट को डेटा फील्ड के अंदर किस नाम से जाना जाता है तो आंसर होगा डी डेटा स्ट्रिंग वट डज़ चेक बॉक्स इन क्वेरी डिजाइन विंडो इंडिकेट क्वेरी डिज़ाइन विंडो में सो चेक बॉक्स क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है तो कैसे पता चलेगा जब आप सभी को रीड कीजिएगा तो रीड कीजिए सभी को और समझिए फिर आपको राइट right आंसर देना है तो करेक्ट आंसर होगा बी इट इंडिकेट्स वेदर द फील्ड इज टू बी डिस्प्लेड इन क्वेरी रिजल्ट और नोट सो चेक बॉक्स क्या इंडिकेट करता है कि फील्ड नेम क्यूरी रिजल्ट में डिस्प्ले किए जाने हैं या नहीं द एक्सप्रेशन बिल्डर इज एन एक्सेस टूल दैट कंट्रोल्स एंड एक्सप्रेशन डैस फॉर एंट्रिंग एंड एक्सप्रेशन तो इसका राइट आंसर होगा बी बॉक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्रेशन बिल्डर बिल्डर एक एक्सेस टूल है जो एक्सप्रेशन एंटर करने के लिए एक्सप्रेशन बॉक्स को कंट्रोल करता है प्रेस द फॉलोइंग कीज़ इन एक्सेस टू प्रिंट द करेंट और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट करेंट या सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक्सेस में प्रिंट करने के लिए कौन सी कीज प्रेस की जाती है तो सही आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस पी अब प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज़ द प्रॉपर्टीज़ किसी भी टेबल में प्राइमरी कीज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं नोट नल यानी कि ये नल नहीं हो सकता है नो डुप्लीकेट्स बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव तो राइट आंसर होगा सी प्राइमरी की जो होती है किसी भी टेबल में ये नल नहीं हो सकती है और डुप्लीकेट्स भी नहीं हो सकती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल का जो फर्स्ट रो होता है यहाँ पे होती है प्राइमरी की तो इसमें जो भी टेक्स्ट या नंबर एंटर किए जाते हैं वो नल नहीं होना चाहिए और डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज़ यूज टू स्टोर लॉजिकल वैल्यूज इन एमएसएक्स एम एस एक्सेस में लॉजिकल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल किया जाता है यस नो ऑन ऑफ ट्रूफॉल्स ऑल ऑफ द एबव तो आंसर क्या होगा एस नो yes, no. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा टाइप यस नो दिया गया है तो लॉजिकल वैल्यू अगर आपको अपने टेबल में इंसर्ट करना है तो डेटा टाइप यस नो सेलेक्ट करना होगा पिच की स्ट्रोक इज़ यूज टू मूव द एक्टिव सेल टू द राइट इन एक्सेस टेबल एक एक्सेस टेबल में एक्टिव सेल को राइट right की तरफ मूव करने के लिए कौन सी की स्ट्रोक इस्तेमाल की जाती है तो आंसर है ए टैब की कैसे काम करता है तो अभी हमारा एक्टिव सेल कौन सा है ये वाला है जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो ये राइट right साइड में मूव हो जाएगा पिच की ट्रॉक इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टूवर्ड्स लेफ्ट इन टेबल ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है टेबल में एक्टिव सेल के लेफ्ट की तरफ आपको मूव करना है तो इसके लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं हमारा कर्जर जो है एक्टिव सेल जो है यहाँ पे है जैसे ही आप शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट की ओर चला जाता है प्रेस डैश की टू ओपन द हेल्प विंडो इन एम एस एक्सेस टू डेटाबेस आपको हेल्प विंडो ओपन करना है एक्सेस 2010 डेटाबेस में तो कौन सी की प्रेस की जाएगी F1 का और आज का लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा पिच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन एम एस एक्सेस टू क्लोज द एक्टिव विंडो एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है एम एस एक्सेस में तो आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस डब्लू का इस्तेमाल होता है तो इसी के साथ हमारा एम सी क्यू डिस्कशन खत्म हो चुका है अब आपका होगा मॉक टेस्ट जिसमें टोटल बारह क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं कमेंट में लिख के बताइएगा अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा समझा होगा तो सारे क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो राइट आंसर क्या होगा दो से तीन सेकंड में आपको आंसर बताना है डी एफ ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं अ पार्ट ऑफ डेटा बेस दैट स्टोर्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटिटी सच एज एम्प्लोई सेल्स ऑर्डर्स एक्सेट्रा डेटा बेस का वो कौन सा पार्ट है जो किसी इंटिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है जैसे इम्प्लॉई सेल्स ऑर्डर्स एक्सेट्रा तो राइट right आंसर क्या होगा सोचिए सोच लिया आपने ए रिकॉर्ड तीसरा क्वेश्चन देखिए नेम द डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सूट उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो एम एस ऑफिस सूट का हिस्सा है तो आंसर होगा डी एम एस एक्सेस क्वेश्चन नंबर फोर देखिए अ डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एक डेटाबेस टेबल में कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है आंसर होगा बी फील्ड क्वेश्चन नंबर फाइव अ कलेक्शन ऑफ डेटा डिज़ाइन टू बी यूज बाय डिफरेंट पीपल इज कॉल्ड अ एन डिफरेंट पीपल यानी कि अलग अलग लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए डेटा के कलेक्शन को क्या कहते हैं आंसर है सी डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर सिक्स टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस तो राइट आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस ओ क्वेश्चन नंबर सेवन इच कमांड क्विकली लोकेट्स डेटा इन एक्सेस टेबल एक्सेस टेबल में कौन सा कमांड क्विकली डेटा को खोजता है फाइंड करता है सर्च करता है लोकेट करता है तो आंसर क्या होगा ए फाइंड कमांड हमने आपको बताया है इस टाइप का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं जिसका आंसर आप सोचिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन एमएसएक्सेस एम एस एक्सेस में इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है आंसर क्या होगा बी टेबल बाकी जो तीन आप देख रहे हैं ये सभी डेटा टाइप हैं क्वेश्चन नंबर नाइन डैश इज द डिफॉल्ट कंट्रोल फॉर आर यस नो फील्ड यस नो फील्ड के लिए डिफॉल्ट कंट्रोल क्या है आंसर होगा बी बॉक्स। क्वेश्चन नंबर टेन इन एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम करेक्टर ऑफ एम एस एक्सेस में टेक्स्ट डेटा टाइप जो है ये मैक्सिमम कितने कैरेक्टर को कंटेन कर सकता है यानी कि इंक्लूड कर सकता है आंसर क्या होगा ए 255 फिफ्टी फाइव करेक्टर्स क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए वट इज़ आ फॉर्म इन एक्सेस एम एस एक्सेस में फॉर्म क्या है फॉर्म क्या होता है फॉर्म किस लिए क्रिएट किया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है तो आंसर क्या होगा रीड कीजिए ए बी सी या फिर डी सी इट इज एन इनपुट स्क्रीन डिज़ाइन टू मेक द व्यूइंग एंड एंटरिंग डेटा इजियर फॉर्म क्या होता है एक इनपुट स्क्रीन होती है जिसे डिज़ाइन किया जाता है डेटा को ईजिली व्यू और एंटर करने के लिए और लास्ट क्वेश्चन वट आर द रोज इन एक्सेस टेबल कॉल्ड एक्सेस टेबल में रोज को क्या कहते हैं रोज़ टपल्स रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ दब तो आंसर होगा डी रोज को इन तीनों नाम से जानते हैं तो आपको याद रखना है ट्वेल्थ में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है ओनेस्टली कमेंट में लिख के बताइए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर